गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विजय वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 4D ऑफ चैप्टर 4 डिवीजन फॉर क्लास 5th। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज एस्टिमेट द क्वोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें डिवाइडेशन गिवन है, जो हमें डिवाइड करने के लिए नंबर्स गिवन है, उनका एस्टिमेट क्वोशेंट निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हाईएस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ लेते हैं। तो देखिए हमें 2, 6, 5, 8 है, तो पहले इसका हाईएस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ लेंगे। तो 1, 10, 100, 1000, तो 1000 पे सर्कल और इसके जस्ट राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा लगभग, तो 6 यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस 1, 3। अब जो सर्कल वाला नंबर है इसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 30 लिखेंगे। ओके, अब देखिए हमें जो 27 है ये हाईएस्ट प्लेस पे इसका राउंड ऑफ लेंगे, तो 1, 10, तो 10 वाले पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब क्योंकि अभी जो अंडरलाइन वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो जो सर्कल वाला नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 3, और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है 1 डिजिट, तो इसमें 10 लिखेंगे। तो ये अप्रोक्स हो गया लगभग। अब हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे 3000, तो 31 जो 30, अब आगे कितनी जीरो है 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा देंगे। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया हमारा 100 और रिमाइंडर आया 0। क्लियर, तो ये जो 100 है हमारा क्या है, एस्टिमेट क्वेश्चन है ये। अब चलिए इसे देखते हैं, तो ये लिखा है 7, 6, 2, 2, 1। क्लियर, तो इसका अब राउंड ऑफ लेते हैं हाईएस्ट प्लेस पर, तो 1, 10, 100, 1000, 10000, तो 10000 वाले पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब ये जो अंडरलाइन वाला नंबर 5 से बड़ा है, 6 यहाँ पर, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 7 प्लस 1 कितना होगा 8 हो जाएगा। क्लियर, और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है, तो 40 लिख देंगे। क्लियर, अब यहाँ पे लिखते हैं 256, अब इसका हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ लेंगे, तो ये साइन है बच्चों अप्रोक्सीमेट का, तो 1, 10, 100, तो 100 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब क्योंकि यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर 5 है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हो जाएगा, और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो 20 लगा देंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 300 है ये, और अंदर लिखेंगे 8 और कितनी जीरो है 40, तो 40 लिखेंगे। अब देखिए 300 जो कितना होता है 600, तो 600 लिख दिया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200, माइनस करने पे 200। अब इस जीरो को नोट कर लेंगे, तो 2000 हो गया। अब हम इसे कितने पर चलाएंगे, इसे चलाएंगे 600 पर, तो 360 कितना होता है 18 और कितनी जीरो है 20, तो 20 और लगा देंगे। फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पे 200 आ जाएगा, 2000 में से जब 800 माइनस करेंगे। अब ये आगे जो जीरो है इसको नोट कर लेते हैं, और फिर से चलाएंगे इसे 600 पर, तो ये जगह 1800। ओके, फिर माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो ये जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 266 और रिमाइंडर 200। ओके, अब इसका सी पार्ट देखते हैं, तो पहले लिखेंगे 7, 1, 4, 2, 1। अब इसका पहले अप्रोक्सीमेट लेते हैं, तो हाईएस्ट प्लेस पर, तो 1, 10, 100, 1000, 10000, तो 10000 वाले पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो सर्कल वाला नंबर है इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और जो सर्कल वाला नंबर है इसका कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है, तो 40। ओके, अब हम लिखते 342। अब इसका अप्रोक्सीमेट लेना है, तो 1, 10, 100, तो 100 वाले पे सर्कल और जो उसके राइट साइड में जो लिखा है उस पर अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो जो सर्कल वाला नंबर उसको एज इट इज लिख देंगे, और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है 2 डिजिट, 1, 2, तो 20। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 300
और अंदर की तरफ लिखते हैं 7 और 4 0, क्लियर। तो 3 2 जा 6 और कितने जीरो हैं, 2 0 तो 2 0 लिख देंगे, माइनस करें तो कितना आएगा 100। अब एक जीरो इसको नोट कर लेंगे तो 1000 हो गया। तो 300 3 जा कितना होता है 900, तो 900 लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर इस जीरो को नोट कर लेंगे, फिर से 1000 हो गया, तो फिर से 3 जा पे चलाएंगे तो 900 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 100। तो क्वेश्चन कितना आएगा 233 और रिमाइंडर 100, क्लियर। अब लिखते हैं 2 5 6 3 1 1, क्लियर। अब इसका हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ लेते हैं, तो 1, 10, 100, 1000, 10000, 1000,000। तो लैक वाले डिजिट पे तो सर्कल करेंगे और जस्ट इसके जो राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है वो 5 है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 3। अब सर्कल के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 50 लिख देंगे, तो 50 लिख दी इस तरीके से। अब हम आते हैं 578 पे, ये तुम्हें लगा है अप्रोक्सीमेशन का साइन, क्लियर। अब इसका हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ लेते हैं, तो 1, 10, 100, तो 100 प्लेस वाले पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे सर्कल वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 5 प्लस 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 20 लिखेंगे, क्लियर। तो हम यहाँ पे सर्कल वाले नंबर में 1 प्लस कब करते हैं, जब जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है या तो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तभी हम सर्कल वाले नंबर पे 1 प्लस करते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 600 और अंदर लिखेंगे 300,000, ओके। अब चलाते हैं इसे कितने पे, इसे चलाएंगे 5 पर, तो 6 5 जो कितना होता है 30 होता है। अब आगे कितने जीरो है 20, तो 20 और लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे कितनी जीरो बची 20 बची, इस 20 को यहाँ नीचे लिख देंगे और वही 20 यहाँ पर भी आ जाएगी, तो इसका मतलब क्वेश्चन कितना होगा 500 और रिमाइंडर कितना होगा 0। अब इसका ई पार्ट देखते हैं, ई पार्ट में क्या लिखा है 678321, तो 678321। तो पहले इसका हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10000,000, तो लैक वाले प्लेस पे सर्कल कर दिया और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7। अब सर्कल के आगे कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 50 लिख देंगे, क्लियर। अब लिखते हैं 798। अब इसका अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, मीन्स इसका हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ, तो 1, 10, 100, तो 100 वाले पे सर्कल कर दिया और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है 9, वो 5 से बड़ा है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा, और इसका कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 20, ओके। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 800 और अंदर लिखेंगे 700,000। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए ये 800 है और ये 700,000, तो इसे चलाएंगे किस पर 8 8 जा 64, तो 64 लिख दिया। अब यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 और लिख देते हैं। अब 7000 में से 6400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 600 आ जाएगा, ओके। अब आगे से एक जीरो और नोट कर लेते हैं, ये हो गया 6000। अब लिखेंगे हम 8 7 जा 56, आगे 20 है तो 20 और लिख देंगे, क्लियर। अब माइनस करने में कितना आएगा 400 आ जाएगा, भाई 6000 में से 5600 माइनस करें तो 400 आ गया। अब इससे आ गया एक जीरो और नोट कर लेते हैं, अभी आ गया 4000, तो 8 5 जा 40,
आगे दो जीरो है तो दो जीरो और लगा देंगे, तो पूरा पूरा ही माइनस हो गया। तो लेकिन क्वेश्चन कितना आएगा 875 और रिमाइंडर हो गया जीरो।